हेलो एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे टू बोल सकते हैं। आज डेट है 16th of August और अभी हम लोग है महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो सुबह हम लोग 4 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे और एक नॉर्मल सा रूम लिया है 1500 में। एसी रूम उसने बोला था बट वो एसी कुछ काम का नहीं है ऐसा लग रहा है, इतना कुछ कूलिंग वूलिंग है नहीं, तो वो ठीक है अभी एक दिन के लिए चलेगा। और अभी हम लोग जस्ट नाश्ता किए पीछे और नहीं भाई इधर ही जा रहे हैं, और अभी फिलहाल यहाँ से निकल के जा रहे हैं पहले महाकाल मंदिर, उसके बाद आगे का बताता हूँ। हमें भी कुछ से पता नहीं है। तो इसी के साथ मेरा ये 5th ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया, उज्जैन महाकाल। और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे काल भैरव मंदिर और फिर से इवनिंग में यहाँ पे ही आएंगे क्योंकि और भी थोड़ा घूमना है, बट काल भैरव को रश रहेगा जितने सबने बोला है। तो काल भैरव से आगे फिर मिलते हैं। अभी ऑटो वोटो का मैं आपको बताता हूँ कि कितना रुपया आगे लगता है। अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव टेम्पल में, महाकालेश्वर में दर्शन हो गया, ज़्यादा कुछ इतना रश नहीं था, आई गेस हाफ एन आवर में हो गया रहेगा। बट अभी सब जो ऑटो वाले वो बोल रहे हैं कि काल भैरव में बहुत रश है, तो देखते हैं वहाँ जाते हैं। और हमने देखने का ऑटो से ये बुक किया है तो वो 5 यहाँ के टेम्पल से वो घुमाएंगे और रिटर्न वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ पे महाकालेश्वर का जो पेमेंट है उधर। तो आगे जाके देखते हैं कितना फील है क्या है, क्योंकि कुछ अराउंड 8 किलोमीटर्स है महाकालेश्वर टू काल भैरव मंदिर। तो ऑन दी वे 2 मंदिर पड़े थे, एक महागढ़ का और तीरमन गणेश मंदिर, तो वो दोनों करके अभी आगे जा रहे हैं काल भैरव की तरफ। और बारिश अचानक स्टार्ट हो गई है। One eternity later. तो टाइम है 4:15, हम लोग आए थे 2 बजे और एक सीन है ऐसा, यहाँ से एंट्री है और अभी पीछे बहुत ज़्यादा गर्दी है। सो वी आर डन विथ काल भैरव दर्शन, बराबर 3 घंटा लगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा अर्ली मॉर्निंग आ जाओ तो ज़्यादा गर्दी नहीं मिलेगा और फिर सुबह यहाँ से दर्शन करके फिर महाकालेश्वर जा सकते हो। बाकी अभी हो गया, यहाँ से निकल रहे ऐसा भी पीछे का नज़ारा, ये सब सामान मिलता है कॉरिडोर और वहाँ से। तो ये अपना आज का फोर्थ प्लेस था ना, हाँ फोर्थ, तो आज का 4th प्लेस था जो ऑटो हमने किया उसमें। और अभी हम लोग है महर्षि संदीपनी, महर्षि संदीपनी आश्रम में, अंदर टेंपल है और एक छोटा सा तालाब टाइप है और बाकी वही नॉर्मल है एकदम, आ सकते हो। उसमें ये बोलते हैं ना काइंड ऑफ पैकेज था, ऑटो वाला पैकेज हम लोग का, तो उसमें ये सब इंक्लूड है। अभी यहाँ से जाएगा और एक कुछ तो जगह है और फिर जो अपना महाकालेश्वर के यहाँ पे जो ये पूजा रहेगा वहाँ, आई मीन महाकालेश्वर के यहाँ पे आरती होता है तो वहाँ पहुँचे 7 बजे तक। और अभी हम लोग जहाँ से पिक किए थे हम लोग को वही जा रहे हैं और फिर अभी वही पे टाइम पास करेंगे महाकालेश्वर मंदिर के आसपास। सबसे पहले अभी करेंगे पेट पूजा और पैर धोएंगे, सबसे उससे भी पहले जाके तो पैर धोना है, पूरे खिचड़ गए से इधर पैर पूरे खराब हो गए। हरि सिद्धि टेम्पल और अभी यहाँ पे वो दिया जलाते जाएंगे फटाफट। तो पीछे का व्यू दिख रहा था, वो 7 बजे को स्टार्ट होगा, अभी 15 मिनट्स का टाइम है, 10 मिनट्स है, 6:50 हो रहा है और पीछे फिलहाल ऐसा कुछ क्राउड है आप देख सकते हो। भीड़ में जेब कतरों
से सावधान रहे, जेब कतरा तो यहाँ पे काइंड ऑफ ये सेंटर है, ये महाकालेश्वर टेंपल का एंट्री है। इसका टाइमिंग सुबह 6 to 9 तक का कुछ है, जितना मेरे को याद है अच्छे से, गूगल पे आपको मिल जाएगा। और ये हर सिद्धि टेंपल है, आगे वहाँ पे जो दिए जल रहे हैं वो, ये जूम कर रहा हूँ, तो ये हर सिद्धि टेंपल है, उसका एंट्री यहाँ से, यहाँ आगे से उधर। अगर आप डेजर्ट के शौकीन हो ना तो उज्जैन आने के बाद ये प्लेस कभी गलती से भी मिस मत करना, घंटा वाला। हम लोग ने अभी रबड़ी खाया, लस्सी रबड़ी और मिल्क मिलता है, बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी। गोपाल मार्केट करके, गोपाल देवी का एक ये मार्केट में स्पॉट है घंटा वाला, अगर गूगल पे भी डालोगे तो आ जाएगा, फेमस है। तो टाइम हुआ रात का 11, अभी जस्ट डिनर करके आए, तो अपना दिन ख़त्म हो गया यहीं पे। और हम लोग ने आज कवर किया एक तो महाकालेश्वर टेम्पल, उसके बाद हम लोग गए भैरव, काल भैरव। तो काल भैरव के लिए ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आप है ना सुबह जल्दी पहले काल भैरव का दर्शन कीजिए, फिर यहाँ आ जाओ, क्योंकि काल भैरव पे ऑलमोस्ट 2 to 3 hours लग जाता है दर्शन करते करते। हम लोग यहाँ पे जो एक्सप्लोर किए ना, तो हम लोग ने बाइक्स नहीं लिया कर बाइक लेके नहीं घूमे थे हम लोग। महाकालेश्वर से बाहर निकले तो वहाँ पे ना ऑटो वाले रहते, वो इलेक्ट्रिक ऑटो आती है ना जो ईवी वाली, तो उसका वो लोग है ना कुछ 400 to 500 के बीच में चार्ज करते हैं। हमारा क्या था 400, पहले 500 बोल रहा था, बट 100 rupees बाद में कम कर लिया। तो उसमें वो लोग है ना 5 मंदिर अलग घुमाते हैं, एक तो उसमें काल भैरव लेता है, फिर दो और ऐसे सब मंदिर मिलके एक आश्रम है, और टोटल ऐसे 5 प्लेसेस वो लोग घुमाते हैं 500 या 400 में। वो भी ठीक है, इतना कुछ बुरा नहीं है, पर वही है कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो काल भैरव में ही वेस्ट होता है, वेस्ट है जिन बहुत टाइम लगता है उधर, वेस्ट नहीं होता है वो। और कभी आपका भाई बोलते हैं ना बाई चांस ऐसा कुछ बाई लक नसीब रहा, तो आपको काल भैरव के एग्जिट से ना वहाँ पर भी एंट्री मिल जाती है, तो वही। और बाकी ये एक पीछे की चीज़ है जो हम लोग से रह गई थी, ये मेरे पीछे जो है अपना महाकालेश्वर टेम्पल है, और उसके अंदर है ना बहुत सुपर वाला लाइटिंग है, बट ये रात को 10 बंद हो जाता है, तो हम लोग कहीं और घूम रहे थे ना, तो वो चीज़ में इधर आना रह गया। तो ट्राई करता हूँ यहाँ से जूम करके बताने, ये गेट है, फिर वो साइड है ना उधर कहीं तो टेम्पल है, बाकी तो भी जूम ही करके दिखाता हूँ। ये देखो अंदर मूर्ति बना हुआ है, सब ऐसा महाकाल का है, और ये गेट है ऐसा एक साइड का, आई गेस ये दिन में चालू रहेगा डे टाइम में। फिर ये अंदर सब है ना मूर्ति है गणपति बप्पा विप्पा का, इवन महादेव का भी बड़ा मूर्ति है। फिर ये अंदर हम लोग जहाँ पे थे ना सुबह, वो साइड है ये वाली, और बाकी पूरा ऐसा। ये मिस मत करना अगर आने मिलते हो, आप आते हो सब जन कभी घूमने यहाँ पे, तो ऐसा अच्छी जगह है, आप इवन डे टाइम में भी देख सकते हो। डे टाइम में भी था, बट डे टाइम में हम लोग को है ना पता नहीं था कि इतना सुपर भी रहेगा। मेरे को बाद में मेरी बहन का कॉल आया तो उसने बोली कि अरे रात को जाना चाहिए, तो हम लोग रुके थे कि लंच डिनर करके जाएंगे, बट रहेगा। और दैट्स इट, अभी सुबह निकलेंगे ओंकारेश्वर के लिए बाइक लेके, और अभी जा रहे हैं रूम पे। तो एंडिंग ऑफ ब्लॉग या वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।